हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बी। सो आप सभी के लिए स्किल बी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। गैलेक्सी मेटल इंडस्ट्रियल LLC कंपनी की तरफ से वैकेंसीज रखी गई हैं। सो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से वैकेंसीज हैं, वेरीफाइड जॉब रखी गई है स्किल बी कंपनी की तरफ से। एंड इसी के साथ में हम बात करें जॉब रोल्स के बारे में, तो स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर के पद पर ये वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ 10 पदों पर ये ओपनिंग रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 1200 से 1400 दिरहम आपको पर मंथ पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ में इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपके पास में 2 से 6 साल का अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर के पद के लिए। साथ ही में इंटरव्यू लोकेशन आपकी UAE रहेगी, UAE में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड जॉब लोकेशन भी आपकी UAE रहेगी, UAE में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। बात कर लें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो ओवर टाइम अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड वीज़ा आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही में इंटरव्यू लोकेशन आपकी दुबई इंडस्ट्रियल सिटी गैलेक्सी मेटल इंडस्ट्रियल LLC कंपनी में जो है आपको इंटरव्यू रहेगा। एंड वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप जो है अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही में आपको जब भी आप अपना वॉक इन इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपने साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी जरूर कर लें। एंड मिनिमम 30 डेज का आपका जो है ट्रायल पीरियड रहेगा, 30 डेज तक आपको जो है कंपनी की तरफ से ट्रायल दिया जाएगा। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है एंड आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहां पर अपना CV अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट HR को जो है आपका CV अपलोड होगा। एंड इसी के साथ में जैसे ही आप अपना CV अपलोड करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, मतलब कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाइड कर पाएंगे। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।